नॉट एवरी एस्पिरेंट गोज टू कोटा, कुछ अपनी सिटीज में रहके भी तैयारी करते हैं, जैसे कि मैं। आई एम अविचल राजपाल, 54% इन 12th पीसीबी। यही होता है अपना इंट्रोडक्शन, 12th की परसेंटेज और स्ट्रीम। मेरा नीट की कोचिंग का आज डे वन है और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं, क्योंकि 12th में मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, लेकिन मेरे दिल बेचारे को एग्ज़ाम से 4 महीने पहले एक चीज़ का पहली बार एहसास हुआ, जिसे कहते हैं रश। खैर छोड़ो बीती बातें, आज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आज है मेरी कोचिंग का डे वन। क्या कोचिंग का इंटरेस्ट है? बट मेरे को तो इसके बारे में किसी ने बताया नहीं था। अरे कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। अरे लेकिन मैं तो कुछ पढ़ के ही नहीं आया। अरे इतना कुछ टफ नहीं है, 12th तो करी है ना, अच्छे से करी है ना। हाँ तो जाओ, शाबाश हो जाएगा, चलो। अब इनको कौन बताए मेरे 12th में 54% थे। Excuse me, yeah. आप बाइक निकाल लोगे अपनी? Oh, shit, 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 shit. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, It's okay. Ouch. Actually, मेरा ध्यान इस पे चला गया था। आपका इसका आंसर 28π/4 आया क्या? Yeah. गए 4 नंबर। 5. क्या? Negative marking भी है। मैं फेल हूँ मैं। कोई बात नहीं, next week exam में दोबारा फिर दे देना। उसमें अच्छा कर लेना। अबे मोटी है, क्या हो गया? स्कूटी से गिर गई यार, घुटने में भी लग गई। यार दिमाग पे चोट लगना ठीक नहीं होता। कर ली बकवास। अच्छा चल, अब ब्रो पानी है? हाँ एक सेकंड। हो गया। सोडियम और क्लोरीन के मिलने से नमक का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही अनजान लोगों के मिलने से फ्रेंडशिप का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही प्यारी चीज होती है फ्रेंडशिप। आपको इसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसे टैग देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फ्रेंडशिप तो बस हो जाती है। और टाइम के साथ पता ही नहीं चलता कब आप फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर की जर्नी कर लेते हो। तो यहां से शुरू होती है हम तीनों की बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर की जर्नी। यार ये क्या बकचोदी है यार, लगातार तीसरे दिन छुट्टी। चल ना लाइब्रेरी में बैठ के साथ में पढ़ लेंगे। क्या फीस तो ना 3 महीने की ले ली। कोई बात नहीं, अभी चल। यार इतने महीनों से बस पढ़ाई पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ाई, कहीं चलते हैं ना, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। मनाली चले? हाँ। अबे ओ औकात, मैं मेरठ में घूमने की बात कर रही हूँ। तो मेरठ में रहके क्या देखेगी? पाकिस्तानी तोप? नहीं, घंटा कर देखेगी। तुम लोग कितने बोरिंग हो यार, काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता। उस भाई के साथ सिंपैथी होती मेरी, तेरी? अबे ओ मेरा बंदा ना बहुत खुश रहता मेरे साथ। पहले बंदा तो बना ले। लड़कियों के पास ना बंदों की कमी नहीं होती। अब क्या करें, लौंडों में टेस्टोस्टेरोन इतना भरा पड़ा रहता है, बेचारा ऐसों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं। मेरा बंदा ना बहुत सेक्सी होगा। अच्छा लग गई शर्त? लग गई तो हम तुम्हें बंदा पटा के दिखाऊंगी। Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him.
some. I'm still young, but I move like a. Hi guys, this is Karan, my boyfriend. Karan, meet Avi and Gagan, my best friends. Hi guys. Hi. Okay, babe. I'll pick you up at 3. Alright. Bye guys. Bye. इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ना चलते रहना चाहिए। सही में यार, और यहाँ तो कामोदीपक चित्र देख के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ता है और फिर शांत करना पड़ता है। कामोदीपक चित्र फोन। Today it's been 1 month मुझे और करण को डेट करते हुए। अच्छा सुन, मैं भी next month से e-squirt classes join कर रही हूँ। पक्का ये short झूठ तो नहीं बोल रही ना? हाँ हाँ बाबा पक्का, और आंटी को बता दियो मैं तेरे साथ ही रुकने वाली हूँ। अरे उसकी तो टेंशन मत ले, तो बस जल्दी आ। So excited। अच्छा मैंने तो उससे बाद में बात करती हूँ, करण की कॉल आ गया। ठीक है बाय। बाय। हेलो। दिव्या से। अच्छा, स्क्रीनशॉट भेजना कौन लोग का? ओके, स्काइप पे बात कर रही थी, भेज देती हूँ। जल्दी भेजो। बाय। यार ये लाइब्रेरी में ना एक एसी होना चाहिए। गर्मी लग रही है यार। ओए, अच्छा एक बात बताओ, अगर एक आदमी कॉन्डम पे एनएसएल डाल के ब्लो जॉब ले रहा है तो उसकी बीवी उससे क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? ज़बा पे लागा लागा रे नमक इश्क का है तेरे इश्क का। लाइब्रेरी में कितने चीप हो यार। एक सेकंड में आई। ओके Karan, it's been 15 days and you're asking me the same fucking question. तुम मुझे drop करने आते हो, तुम मुझे pick करने आते हो. Dude, I'm tired of your obsessive nature. अभी नहीं यार, please. भाई मेरे को ना रेंट फर्क नहीं पड़ता, और अगर तेरे को पड़ता है तो तू जाके उससे बात कर ले, और अगर तूने उससे बात कर ली तो आज के बाद मेरे पास मत आ जाइयो बात करने के लिए। बंदे के आते ही दोस्तों को भूल गई। पढ़ लिया यार उसको, तू जाके कर लेगा उसको विश अगर तेरे अंदर इतने कीड़े काट रहे हैं तो। और भूल गया इसने क्या कहा था उस दिन? Guys, I'm sorry. We can't be friends anymore. Karan को पसंद नहीं है मैं तुम लोगों से बात करूं। I'm sorry. अगर तेरे को बेइज्जती करवानी है ना, तो जा चला जा उसके पास। Avi, happy birthday, Murti. Thank you. Gagan bhi hai. Come in. वैसे तेरा आना was really unexpected, but thank you. And listen, I'm really sorry उस दिन के लिए. चल कर यार। और फन फैक्ट सुन, ह्यूमन टीयर्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोच तेरे आंसुओं से बिजली का बल्ब जल सकता है,
ऑन दैट नोट तेरे घर वालों को तो खुश होना चाहिए, उनके घर में तो चलता फिरता बिजली का खंबा है। कैसे? हाँ, क्योंकि पिछले दो हफ्तों में तू इतना तो रोई है कि तेरे आंसू को कलेक्ट करके उससे पूरे घर की बिजली जला सकते हैं। अब मुझे पूछना पड़ेगा या खुद बताएगी? क्या हुआ? यार मैं तंग आ चुकी हूँ यार, करण बहुत मेंटल टॉर्चर कर रहा है। उसने मेरे व्हाट्सएप को व्हाट्सएप वेब बना रखा है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड उसके साथ है, मुझे ड्रॉप करने आते हैं, मुझे पिक करने आते हैं, उसे मेरे लड़कियों तक से बात करने से प्रॉब्लम है। मुझे कहीं नहीं जाने देता, कुछ करने नहीं देता, ना पढ़ने देता। आई एम फीलिंग सो ट्रैप्ड, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे, मैंने ये अब नोटिस किया, ये तेरे गाल पे क्या हो रहा है? ये थप्पड़ का निशान है। सीरियसली, तूने उस बहन के दीने से थप्पड़ खा लिया? बस बहुत हो गया, कल सुबह देख लेंगे बस आरामजादे को। सुन, कल से अगर गीतिका से बात की ना या उसके आसपास भी नजर आया तो मेरे जूते का क्या नंबर है? ये देखने के लिए लोग मेरा पैर नहीं देखेंगे, तेरा मुंह देखेंगे। सुन, गीतिका को तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना है, शी वांट्स अ ब्रेकअप, सो जस्ट गो। और अगर कोई बदतमीजी करने की सोचे भी ना तो यहाँ सिक्योरिटी खड़ी है, जेल में डलवा दूंगा। सुन, कल जब घर से निकले ना तो मम्मी को बोल के ये पैसे तैयार रखें हॉस्पिटल में देने के लिए। भाई कांड हो गया यार। अबे इधर उधर क्या देख रहे हो, एक दूसरे से ही दोस्ती का बॉन्ड बनाना है। इधर दे। गगन यार, रियली सॉरी। चल कर मोटी, आजा। अभी एक चीज बाकी है। क्या? Are you guys sure? अरे हाँ ना यार, चल। हेलो गीतिका, तू चूतिया है। क्या? तू चूतिया है, और तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा स्टार्ट है? साले स्क्रॉटम की शक्ल वाले, तुझे क्या लगता है लड़कियां तेरा खिलौना है कि जब मन चाह खेल लिया, जब मन चाह छोड़ दिया? अभी तू खुद क्या है जिंदगी में? तुझे ना तुझे पढ़ना है, ना तुझे लिखना है, और तुझे पता है इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि तुझे डर लगता है। तुझे पता है कि तुम मुझे क्या, तो किसी भी लड़की को डिजर्व नहीं करता। मेरे बलास ना तुझे लथार्जी हो जाए, तेरे हाथ में पोलियो हो जाए, डबल एक्स क्रोमोसोम पीनस। बहन के लोड़े। थैंक यू गाइस। Wanna be someone else, a bit more into. Wear something new for a day, a bit less like you. अबे लेकिन ये सब हुआ कैसे? अबे मेरी तो फट गई थी, फिर मैंने इसको कॉल मिलाया और इसने बताया कि करण के पापा इसके पापा के अंडर काम करते हैं। इसने सीधा उसके पापा को फोन मिलाया और उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल डाला। उसके पापा ने फिर भाई साहब गुस्से में उसके गांड पे जो थपकी मारी है। Bro, you guys are mean. और तेरे को बता दूं मैं, ये कोई अमीर अमीर नहीं है, भाई के भी अपने दोस्तों से मांग के लाता है ये। हाँ, बे भाई पे क्यों है 3 3 बजे मैं बाइक ले लूंगा अपने दोस्त से। I lose my breath whenever I see you. You do. My life was great till you added colors.
don't care about the others. You set my world on fire. Bro, I think mujhe pyar ho gaya. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. हम किसी और को देखते हैं क्या? अरे ये लोग कितने रियल हैं, वो अच्छी लगती है। Hey guys, thank you so much for watching this video. अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को। क्या करके क्या करके बदमाश बदमाश बैठा है यहाँ पे, बदमाश बोल रहा है मेरठ का, मेरठ का यूपी का बदमाश पूरे। हाँ, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट डाउन बिलो व्हिच पार्ट ऑफ द वीडियो यू लाइक और योर ओपिनियंस और एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, बस कमेंट कर देना। और ये था एपिसोड 1, बताना कैसा लगा और आगे भी आएंगे, तो बस इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखा दो आप, जिससे कि हम आगे के लिए मोटिवेटेड हो जाएं। और बाय बाय।